नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामों में। उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का यहाँ पे आपका जूनियर मेंटेनेंस और ऑपरेशन ट्रेनी का आपका रिक्रूटमेंट है, भर्तियाँ हैं। 200 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, 200 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट है, 200 वैकेंसी है। इसको आवेदन करने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर है और यहाँ पे जो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों 10 सितंबर को आपका निकला था। तो 10 सितंबर को यहाँ पे आपका इसको नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेशन ट्रेनी की रिक्रूटमेंट है। केवल हाई स्कूल यहाँ पे आपको चाहिए और आईटीआई आपने करा हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेशन ट्रेनी की आपकी जॉब है। तो बेसिकली उड़ीसा पावर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन है, उसने जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनी की यहाँ पे जीएमओट की आपकी वैकेंसी निकाली है। इसके लिए आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे एक बार सीबीटी रहेगा और स्किल टेस्ट और कैरियर मार्किंग रहेगा। तो सीबीटी जो रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स का सीबीटी रहेगा। कंप्यूटर पे आपका टेस्ट रहेगा जिसमें आपका सब्जेक्टिव नॉलेज से 80% पूछा जाएगा, जो आपकी आईटीआई रहेगा आईटीआई में से। वहीं आपका जो न्यूमेरिकल जीके रीजनिंग रहेगा उसमें 10% पूछा जाएगा, इंग्लिश में से 10% पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सीधी सी बात करें तो आपका जो पूरा पेपर है आपका जो रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। 3 घंटे के पेपर में आपको 200 नंबर के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। अब इस 200 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 160 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपके आईटीआई के ही मिलेंगे, आईटीआई के मिलेंगे, ठीक है, जो आपकी फील्ड है उससे मिलेंगे, जिस भी फील्ड में आपने अप्लाई किया है, ठीक है। और जो बाकी 20 मार्क्स का आपका रहेगा वो आपका रहेगा जीके और रीजनिंग, 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक है। 3 घंटे का पूरा समय रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है, ठीक है। जो बच्चे सीबीटी में क्वालिफाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्टेड करके स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 1:3 के उसमें, ठीक है। तो 1:3 में बुलाया जाएगा उनको। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट जो है, 14 सितंबर से इसकी डेट स्टार्ट हो गई है और 14 अक्टूबर तक है लास्ट डेट। 500 रुपये यहाँ पर आपकी जो फीस रखी गई है, जनरल कैटेगरी रखी गई है और OBC के लिए भी, ठीक है। वहीं आपकी जो SC ST और PWD वालों के लिए ये आपका 250 रुपये का फॉर्म है, ठीक है, केवल 250 रुपये का फॉर्म है उनके लिए। तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनी की जॉब है जीएमओट की, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 200 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आपको अगर आपने 10वीं कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, ठीक है। 18 साल से लेकर 32 साल तक एज लिमिट। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों 50,000 तक बन जाती है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। अब यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है मैं बता देता हूँ कैटेगरी वाइज। UR के लिए 101 है जिसमें 34 आपकी वुमेंस के लिए रखी गई है, 22 आपकी OBC के लिए है आपकी, 7 आपकी वुमेंस के लिए रखी गई है। SC के लिए 32 है जिसमें कि 10 आपकी वुमेंस के लिए है, 45 आपकी ST के लिए जिसमें कि आपकी 15 आपकी वुमेंस के लिए। तो इससे 200 टोटल वैकेंसी जो है जिसमें आपकी 66 टोटल वैकेंसी वुमेंस के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लिंक मैंने दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इसका लिंक आज से एक्टिवेट हो जाएगा। मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।